हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला समझा देती हूँ। तो जैसे कि इंटीग्रेशन में एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स के द्वारा। तो इसको हम मान लीजिए एफ एक्स को हम यू मान लें और जी एक्स को भी, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू भी डी एक्स। तो एक का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे और एक का डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि ये, तो ये पहले ही निकल जाएगा, इसका होगा इंटीग्रेशन तो वी वन माइनस, फिर यू वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो वी टू, क्योंकि एक बार हो चुका है इसका इंटीग्रेशन। पहले भी नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन यू का, पहले ऐसे ही निकाल लेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। यू डबल डैश वी थ्री, यू ट्रिपल डैश वी फोर। इसका यू वन का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन और वी वन का मतलब हो गया इंटीग्रेशन। इसका ये मतलब होगा, तो हम इसका करते जाएंगे। एक में पहले में प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, इतना आते जाएगा जब तक ये जीरो ना हो जाए, यू जीरो ना हो जाए, तब तक हम इसका इंटीग्रेशन करते रहेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये कैसे बनता है। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताई थी मैं, तो इसको एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा टू एक्स और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का, फिर हो जाएगा टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू और इसका हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। जब तक ये जीरो ना हो जाए तब तक करना है, तो इसके बाद ये जीरो ही हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो ये जीरो आ जाएगा, इसीलिए अब हम छोड़ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस, प्लस फिर आता तो माइनस, प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है टू एक्स साइन एक्स, यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा टू कॉस एक्स। इसका ये आंसर आ जाएगा। मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ फॉर्मूले के बारे में। एफ एक्स, इसको हम यू और भी मान, एक बार क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंस एक बार ऐसे ही निकाल लेंगे बाहर यू को और भी वन हो जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ऐसे करते करते यहाँ जब तक जीरो ना हो जाए तब तक इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन निकालते रहना है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिए, साइन एक्स का हो गया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स, फिर टू एक्स का हो जाएगा टू साइन का हो जाएगा कॉस, ऐसे ही करते हम निकालते जाएंगे। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स साइन एक्स, देखिए इसका कैसे आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका u हो जाएगा e टू द पावर एक्स, du भी हो जाएगा e टू द पावर एक्स, डी भी हो जाएगा कॉस एक्स,
डी भी हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि भी बराबर हो जाएगा साइन एक्स, इसीलिए इसका डी भी आ जाएगा कॉस एक्स। तो चलिए अब हम बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, सॉरी हम माइनस आएगा, सी के पदों में माइनस आता है, माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, फिर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे हम, फिर यहाँ हो जाएगा टू बाई टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस सी, इसका ये आ जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। एक्स स्क्वायर साइन थ्री एक्स डी एक्स, तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इस साइन में थ्री है तो यहाँ हम थ्री कर देंगे, माइनस कॉस एक्स थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस, फिर इसका हम डीसी करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू एक्स बाई थ्री है ये, और कितना हो जाएगा कॉस थ्री एक्स डी एक्स। और फिर देखते हैं एक्स स्क्वायर बाई थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस कितना हो जाएगा, ये टू बाई थ्री बाहर आ जाएगा, फिर इसका हम एक्स बाई थ्री इसको बाहर कर लेंगे, कॉस का हो जाएगा साइन थ्री एक्स माइनस, फिर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन वन बाई थ्री कितना हो जाएगा साइन थ्री एक्स।